तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए फॉर्म को कैसे फिल करते हैं। फ्रेंड मैं आज आपको बताने वाला हूं कि शुरू से फॉर्म को कैसे फिल करना है, मतलब रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपको जो है कि रजिस्ट्रेशन आईडी तक, पासवर्ड कैसे बनाते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं, आपको सेंटर कैसे सिलेक्शन करना है, सारा चीज का जानकारी फ्रेंड आपको डिटेल्स में मिलेगा। बस फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक देखें। फ्रेंड मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड मैं अपने चैनल पर हर दिन एजुकेशनल से वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो इसलिए फ्रेंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। यहां पे फ्रेंड स्टार्टिंग डेट देख सकते हैं 30 जून 2023 से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट फ्रेंड जो है कि 21 जुलाई 2023 रखा गई है। फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि एसएससी के अंदर आप जो भी फॉर्म फिल करते हैं फ्रेंड, अगर आपने एसएससी में किसी भी तरह का फॉर्म भरा है, जैसे सीएचएसएल का या सीजीएल का या किसी भी तरह का एसएससी एमटीएस है, जो भी फ्रेंड इसके अंदर में आता है, मतलब एसएससी में फ्रेंड जितने भी पोस्ट के फॉर्म आते हैं फ्रेंड, अगर आपने भरा है तो फ्रेंड आपका वही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कि आपका हर बार फ्रेंड चलता है, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी से और पासवर्ड से आपको जो कि लॉग इन करके फॉर्म भरना होता है। बट फ्रेंड जो कैंडिडेट नया है तो मैं आज उसके लिए बताने वाला हूं कैसे आपको शुरू से फॉर्म को फिल करना है, सारा डिटेल जानकारी अच्छी तरह से मिलने वाला है। फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड आपको जो कि फीस वगैरह जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपए चार्ज लगता है, और एससी एसटी के लिए और फीमेल लीग के लिए कोई भी चार्ज यहाँ नहीं लगता है एसएससी कैंडिडेट को। और यहाँ पे फ्रेंड टोटल पोस्ट देख सकते हैं, इसमें जो 1558 तो टोटल इसमें फ्रेंड पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एज की बात करें फ्रेंड मिनिमम आपका जो है कि 18 साल होना चाहिए और 25 साल तक आप जो कि भर सकते हैं, बाकी एससी एसटी ओबीसी के लिए 5 साल 23 साल जो है कि एज रिडक्शन मिला जाता है। आप फ्रेंड मेट्रिक पास आउट है, जो कि मेट्रिक पास आउट कोई भी कैंडिडेट है या इंटर है, ग्रेजुएशन है, सभी को इस फॉर्म को अच्छी तरह से फिल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड बात करते हैं फॉर्म को फिल कैसे करना है। सबसे पहले फ्रेंड आपको इस वेबसाइट पे फ्रेंड आना है। यहीं पे फ्रेंड आने के बाद देख सकते हैं आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ फ्रेंड, तो आपको सिंपली यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पे लॉग इन करना होता है। आईडी पासवर्ड कैप्चा डालेंगे, लॉग इन करेंगे। अगर फ्रेंड न्यू कैंडिडेट है तो सिंपली आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन नाउ, सिंपली इस पे फ्रेंड क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से फॉर्म खुल के आ जाएगा। फर्स्ट में फ्रेंड आपसे आधार कार्ड के लिए पूछा जाता है, फ्रेंड आपके पास आधार कार्ड है तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज जो कि आपको फॉर्म फिल करने में काफी परेशानी है, तो सिंपली यहाँ वाले ऑप्शन में फ्रेंड यस करना है। और यहाँ पे फ्रेंड आपको आधार नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट में आपको आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है फ्रेंड, सेकंड में फ्रेंड वेरीफाई आधार नंबर को आपको दोबारा से डालना है, उसके बाद फ्रेंड यहाँ से कोई आईडी टाइप है तो ये डिसेबल हो जाता है ऑटोमेटिक देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से बताना है आपको अपना नाम, आपका पूरा नेम फ्रेंड क्या है, आपको मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार देख सकते हैं यहाँ पे जो कि सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे नाम को आपको फिल करना है इस बॉक्स में, आपका पूरा नाम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर से वेरीफाई नाम को यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर फ्रेंड आपके नाम में किसी भी तरह का चेंजेस है तो सिंपली यस करके आप दूसरा नाम यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो फ्रेंड सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे, डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपको फादर्स का नाम बताना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से फादर्स का नाम कंफर्म करेंगे, अपना मदर्स का नाम फिल करेंगे, कंफर्म मदर्स का नाम फ्रेंड फिल करेंगे अच्छी तरह से। फ्रेंड आपको मार्कशीट के अनुसार ही डिटेल्स को सारा फिल करना है। उसके बाद यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। यहाँ से अपना जो कि जो भी आपका फ्रेंड साल है यहाँ से आप चूज कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से अपना जो कि वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ करेंगे, वापस से जो कि कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ से मैट्रिकुलेशन आपको डिटेल्स यहाँ पे बताना है फ्रेंड, देख सकते हैं फ्रेंड मैट्रिकुलेशन डिटेल्स बताना है आपको। यहाँ से सबसे पहले बोर्ड बताना है कि आपने किस बोर्ड से आपने मैट्रिक पास आउट किया, फ्रेंड देख सकते हैं आपको बहुत सारे बोर्ड देखने के लिए मिल जाता है, जो भी फ्रेंड आपका बोर्ड इसमें से सेलेक्ट करके बताएंगे। यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, फिर से यहाँ से कंफर्म बोर्ड करेंगे, इस तरह से फ्रेंड यहाँ पे बोर्ड कंफर्म कर देंगे। उसके बाद मैट्रिक का यहाँ पे फ्रेंड आपको रोल नंबर लिखना है फ्रेंड, उसके बाद कंफर्म रोल नंबर करेंगे, मैट्रिक का ही फ्रेंड यहाँ पे आपको टाइप करना है सारा चीज। उसके बाद किस साल आपने पास किया फ्रेंड वो यहाँ पे आपको बताना है, आपका यहाँ पे सारा डिटेल्स खुल के आ जाता है, देखते हैं सारे मिल जाते हैं आपको, जो भी जिस साल में आपने पास आउट किया वो बताएंगे, फिर यहाँ से कंफर्म करेंगे अपना पासिंग ईयर। उसके बाद फिर यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल है या फिर जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से फ्रेंड सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ से हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फ्रेंड पूछा जाता है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में फ्रेंड देख सकते हैं आपको यहाँ पे 10 मिलता है, 10+2 मिलता है, डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी। अगर फ्रेंड आपका जैसे मान लीजिए अगर इंटर आपका कंप्लीट हो गया है या फिर इंटर अभी अपेयरिंग है तो आप इंटर को यहाँ पे चूज करेंगे 10+2। अगर फिर आपका इंटर कंप्लीट हो गया और आपका जो है कि बीए चल रहा है, जैसे बीए में आपका बीए बीएससी बीकॉम या जो भी चल रहा है फ्रेंड आपका, अगर फाइनल नहीं हुआ या पार्ट वन चल रहा है पार्ट टू चल रहा है, उस कंडीशन में फ्रेंड आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड, उसके बाद यहाँ से फ्रेंड अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे, ईमेल आईडी देंगे फ्रेंड फिर यहाँ पे, और कंफर्म यहाँ पे फ्रेंड ईमेल आईडी को टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद फ्रेंड यहाँ से अपना स्टेट को सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड, इस तरह से स्टेट बताने के बाद फ्रेंड सिंपली यहाँ पे सेव इस पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलता है फ्रेंड, सिंपली इस पे क्लिक करना। चलिए फ्रेंड मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। सेव पे फ्रेंड जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिख जाता है, यहाँ पे कंफर्मेशन कर लेना है फ्रेंड, आपको डिटेल्स मिला करके सिंपली यहाँ पे कंफर्म वाले डिटेल्स फ्रेंड आप क्लिक कर देंगे। कंफर्म वाले डिटेल्स फ्रेंड जैसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं फ्रेंड आपके जो कि रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल पे फ्रेंड आपको जो है कि रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड फ्रेंड भेज दिया गया है। और यहाँ पे फ्रेंड बताया गया कि अगर आप 14 दिन के अंदर अगर आप इसको जो है कि चेक नहीं करते फ्रेंड, अगर आप जो कि फॉर्म को सबमिट नहीं करते तो आपका 14 दिन के अंदर में अगर आप जो कि लॉग इन नहीं करते, आपने पासवर्ड चेंज नहीं करते तो आपका फॉर्म जो है कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका आईडी भी जो है कि कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड आपको जो है कि ये चीज को अगर मान लीजिए इनकेस अगर सर्वर प्रॉब्लम आता कुछ भी आता तो आप 14 दिन के अंदर में इसको जो कि अच्छी तरह से फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड रिजेक्ट कर जाएगा,
आपको ये चीज फिर से फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने बाद फ्रेंड देख सकते हैं आपको यहीं पे फ्रेंड देखने के लिए मिल जाता है फ्रेंड रजिस्ट्रेशन नंबर 14 दिन का फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया गया है और रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के लिए मिल जाता है फ्रेंड। आपको फ्रेंड पासवर्ड आपका जो है कि मोबाइल नंबर ईमेल पे फ्रेंड आपको मैसेज होकर चला गया फ्रेंड, आप वहां से जो है कि पासवर्ड को रिकवर कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड सिंपली यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड क्या करना है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है फ्रेंड, जो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मोबाइल में आया है। उसके बाद यहाँ से आपको पासवर्ड डालना है फ्रेंड, जो मैसेज आया है उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, लॉग इन करेंगे फ्रेंड। आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल के फ्रेंड सिंपली यहाँ पे लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉग इन वाले ऑप्शन पे फ्रेंड क्लिक करेंगे देख सकते हैं, लॉग इन वाले ऑप्शन पे फ्रेंड क्लिक करने बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको ईमेल आईडी यूजर नेम और ओल्ड यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाता है फ्रेंड, वो यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद नया पासवर्ड बनाएंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पे फ्रेंड क्लिक करेंगे आप सिंपली। सबमिट फ्रेंड जैसे करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली का ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड। सिंपली आपको यहाँ पे क्लोज करना है और वापस से आके फ्रेंड आपको लॉग इन करना है। क्लोज फ्रेंड जैसे करेंगे आपके सामने फिर से इस तरह से आप आ जाएंगे फ्रेंड। यहाँ पे अपना जो है कि अपना आईडी यूजर नेम और उसके बाद पासवर्ड जो फ्रेंड आपने नया बनाया था वो डालेंगे, कैप्चा डाल के सिंपली यहाँ पे लॉग इन वाले ऑप्शन पे फ्रेंड क्लिक करेंगे। लॉग इन फ्रेंड जैसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे फ्रेंड कुछ पर्सनल डिटेल्स खुल के आ जाता है फ्रेंड। डिटेल्स को फ्रेंड आप अच्छी तरह से मिला लेंगे फ्रेंड, कहीं भी कुछ मिस्टेक लगता है फ्रेंड तो यहीं पे फ्रेंड आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है फ्रेंड। देख सकते हैं अगर आपको गलत लगता है यहाँ पे एडिट करके इसको एडिट करके सुधार कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड सिंपली नीचे आएंगे यहाँ से नेक्स्ट वाले बटन पे फ्रेंड क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड यहाँ से आपको अपना कैटेगरी फ्रेंड बताना, आपका कैटेगरी फ्रेंड क्या आता है इस तरह से देख सकते हैं। अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म बताएंगे, उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से अपना एक बॉडी का पहचान देंगे, कट या तिल का किसी भी तरह आपके बॉडी में निशान है तो वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद फ्रेंड नीचे आएंगे यहाँ से फ्रेंड आपको अपना पूरा एड्रेस फ्रेंड इस बॉक्स में फिल करना है, आपका जो पूरा एड्रेस है वो इस बॉक्स में फिल करेंगे। अपना स्टेट बताएंगे फ्रेंड, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है फ्रेंड। उसके बाद स्टेट के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट आता है वो बताएंगे। पिन कोड फ्रेंड क्या है वो यहाँ पे टाइप करेंगे, इस तरह से देख सकते हैं आपको आ जाता है, यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड अगर दोनों फ्रेंड सेम एड्रेस है तो सिंपली यहाँ पे यस क्लिक करेंगे, नहीं तो फ्रेंड आप सिंपली यहाँ पे अलग अलग फिल करेंगे। उसके बाद फ्रेंड सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे सेव करेंगे फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सारा डिटेल्स को फ्रेंड फिल करके जैसे आप जो कि सेव करेंगे उसके बाद फ्रेंड आपके सामने इस तरह से देखने के लिए मिल जाता है ऑप्शन फ्रेंड। सिंपली आप यहाँ पे जो एग्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्रेंड यहाँ से फाइनल सबमिट वाले फ्रेंड ऑप्शन पे फ्रेंड क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे फ्रेंड ओटीपी जाता है। सिंपली आपको यहाँ पे अपना ओटीपी डाल के कैप्चा डालेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे फ्रेंड क्लिक करेंगे। ये चीज फ्रेंड आप अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो शुरू से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको फ्रेंड इस तरह से जो कि सारा प्रक्रिया होता है। उसके बाद फ्रेंड जो कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ तो वहां से फ्रेंड इजीली आप फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए फ्रेंड आगे प्रोसेस में दिखाता हूँ आपको। ओटीपी डाल के फ्रेंड जैसे आप सबमिट करेंगे देख सकते हैं फ्रेंड आपका रजिस्ट्रेशन फाइनली सबमिट हो जाता है फ्रेंड। अब आपको फिर से यहाँ पे ओके पे करना है और वापस से फ्रेंड आपको लॉग इन करना है। देख सकते हैं फ्रेंड जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं एमटीएस के लिए आपको फॉर्म देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे फ्रेंड आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे फ्रेंड क्लिक करना है। अप्लाई वाले ऑप्शन पे फ्रेंड जैसे क्लिक करें आपके सामने पूरा डिटेल्स खुल के आ जाएगा फ्रेंड। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे फ्रेंड यहाँ से फ्रेंड आपको जो है कि 15 नंबर से फ्रेंड डिटेल्स आपको फिल करना है। यहाँ देख सकते हैं आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से अपना एग्जाम सेंटर बताएंगे फ्रेंड, जो भी आपको नियरेस्ट आपको सेंटर पर एग्जाम वो यहाँ से चूज कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड सेलेक्ट करेंगे, तीन गो ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड आप बता देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जो कि कंप्यूटर टाइपिंग जो है कि आपको यहाँ पे बेस्ट आपको लैंग्वेज बताना है, आपको क्या जो कि एग्जाम देना है हिंदी या इंग्लिश, आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड बताएं। हिंदी चूज करेंगे फ्रेंड, दोनों में ऑप्शन मिलेगा आपको। एक्स सर्विस में है तो फ्रेंड यहाँ पे बताएंगे यस करके, नहीं तो नो कर देंगे फ्रेंड। सिंपली ये सब ऑलरेडी डिसेबल रहता है फ्रेंड देख सकते हैं। आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार फ्रेंड आपका जो कैटेगरी के अनुसार कुछ डिटेल्स आपका ऑलरेडी डिसेबल आता है देख सकते हैं यहाँ पे। अगर फ्रेंड आप एज में रिलेक्शन लेना चाहते हैं तो छूट लेना चाहते हो सिंपली यहाँ पे फ्रेंड यस करेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं आपको बताना है कि आप किस में आते हैं फ्रेंड, एससी एसटी या जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय चैलेंज किसी भी तरह आते हैं तो वो चीज को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको पोस्ट देखने के लिए मिलता है। अगर फ्रेंड आपका सिलेक्शन होता है, अगर आपका जॉब लग जाता है तो आपको किस स्टेट में आपको जो कि पोस्टिंग मिलेगा, किस स्टेट में आप जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। जैसे अगर हरियाणा चूज करते हैं तो 13 नंबर पे ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे फ्रेंड आपको 13 नंबर इस बॉक्स में फिल करना है। तो इस तरह से फ्रेंड बताना है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद जिस जो भी आपको बेटर लगता है फ्रेंड 5 से 6 ऑप्शन दे सकते हैं या सारा का सारा दे सकते हैं यहाँ पे क्योंकि फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर जिसमें फ्रेंड आपको फिल नहीं करना तो एक्स फिल करेंगे, साइड में करेंगे, आपका सारा यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा। चलिए फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ फिल करके। यहाँ पे फ्रेंड दे सकते हैं आपको फ्रेंड जो भी बेटर लगता है फ्रेंड, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से नंबर चूज कर लेंगे, जो भी स्टेट का आपको चाहिए नंबर फिल कर देंगे। और जहां तक फ्रेंड आपको लगता है कि आपने फिल कर दिया और आपको लगता है नहीं फिल करना तो उसमें यहाँ पे एक्स फिल करेंगे, साइड में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आपका सभी में क्रॉस लग जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताना है फ्रेंड, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या, जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको पहले भी बताया अगर आप इंटर कर रहे हैं तो जैसे आपका अगर ग्रेजुएशन चल रहा है या पेयरिंग है ग्रेजुएशन तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड। आप अपने अकॉर्डिंग हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10+2 अगर आपका कंप्लीट हो चुका है ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर पेयरिंग आपका बीए ऑनर्स चल रहा है तो वो भी सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से जो कि 10th स्टैंडर्ड चूज कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से जो कि पास चूज करेंगे क्योंकि फ्रेंड आप 10th क्लास पास हैं, सिंपली यहाँ से चूज करेंगे। आपने जो डिटेल्स फिल किया वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ से परसेंटेज फ्रेंड बता देंगे इस तरह से आपका जो भी परसेंटेज आता है। उसके बाद फ्रेंड अगर आपका पर्सनल डाटा अगर आप जो
की सिस्टम के साथ, एसएससी सिस्टम के साथ अगर साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं करना चाहते तो फ्रेंड सिंपली यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे फ्रेंड क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे फ्रेंड, यहाँ से फ्रेंड आपको फोटो अपलोड करना है 20 से 30 KB के बीच में, देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड 20 से 50 KB के बीच में आपको फोटो अपलोड करना है, और सिग्नेचर फ्रेंड 10 से 20 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। सिंपली फ्रेंड 2 मंथ पुराना आपका फोटो कम से कम 2 मंथ के अंदर का होना चाहिए फ्रेंड, देख सकते हैं 21 अप्रैल 2023 के अंदर का फोटो होना चाहिए यहाँ पे, जो कि आपका फोटो में नाम या डेट आप भी डाल के भी अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, आपका दोनों चलने वाला है। तो सिंपली यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा और सिग्नेचर में। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे फ्रेंड आपको यस कर देना है, उसके बाद यहाँ से डिक्लेरेशन देंगे, कैप्चा डालेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे फ्रेंड क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे फ्रेंड जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से पूरा फॉर्म खुल के आ जाता है फ्रेंड, एक बार अच्छी तरह से सबको मिला लेंगे फ्रेंड, अगर कहीं मिस्टेक लगता है तो फ्रेंड आप इसको यहाँ पे एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड सिंपली यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे फ्रेंड क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे फ्रेंड। उसके बाद अगर फ्रेंड आपका पेमेंट लगेगा फ्रेंड यहीं पे पेमेंट मांगा जाएगा, नहीं तो फ्रेंड सिंपली आप यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट आप इजीली निकाल सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड आप जो कि न्यू रजिस्ट्रेशन के साथ फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और पेमेंट कैसे करेंगे फ्रेंड, मैंने आप इसे पहले वाले वीडियो में दिखाया हुआ, जो कि रजिस्ट्रेशन आईडी के बाद लॉगिन कैसे करते, तो आप उस वाले वीडियो को भी देखेंगे और इस वाले वीडियो को भी देखेंगे फ्रेंड, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा फ्रेंड आपको। सिंपली यहाँ से प्रिंट करके निकाल लेंगे। आई होप कि फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।